धन्यवाद सभापति महोदय। आज मांग संख्या 26 पे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए धन्यवाद। चिकित्सा व्यवस्था को लेकर सभी सदस्यों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। मैं मेरी ओर से डूंगरपुर जिले में जो चिकित्सा व्यवस्था जो बनी हुई है, हमारे पिछले दो बजट में 19-20 के बजट में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई थी और पूरे डूंगरपुर के लोगों ने खुशी जाहिर की थी कि डूंगरपुर को मेडिकल कॉलेज मिला है और स्वास्थ्य संबंधित जो समस्या आ रही है उसका कहीं ना कहीं निस्तारण होगा। लेकिन मेडिकल कॉलेज होने के बाद डूंगरपुर का जो हरिदेव जोशी चिकित्सालय था उसकी व्यवस्था भी कुछ हद तक दिनों दिन बिगड़ती जा रही है। सुधरने के अलावा तो कहीं न कहीं वहाँ पर जो कुछ स्टाफ जो है उनके द्वारा जो राजनीति की जा रही है, वो लोग कहीं न कहीं ऐसे पॉलिटिकल लीडरों द्वारा वहाँ पर ज्वाइनिंग ले लेते हैं, लेकिन वो लोगों को कहीं न कहीं बेनिफिट नहीं दे पाते हैं। अभी हाल ही कल एक न्यूज़पेपर में छपा था कि वहाँ पर जो जितनी जांचें की जा रही है फ्री में और जो दवाइयाँ फ्री में देनी चाहिए वहाँ पर नहीं मिल रही है और लोगों को मजबूर होना पड़ रहा है कि वो प्राइवेट जो बाहर क्लिनिक लगे हुए हैं इन क्लिनिकों पे जाके उनको पैसे दे के जो दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही है। पूरा ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र आता है, वो सारे जो APL BPL परिवार से आते हैं, वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार से है, लेकिन वहाँ पर ऐसा जो सिस्टम बना रखा है कि उस सिस्टम के तहत जो फ्री में जो दवाइयाँ मिलनी चाहिए, जो जितनी फ्री में जो जांचें होनी चाहिए वो फ्री में नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं वो भ्रष्टाचार झलक रहा है। पिछली बार ये भी हुआ था कि कई ऐसी जो बड़ी मशीनें थी उन मशीनों खराब थी और कई हमारे पॉलिटिकल लीडरों द्वारा उसका उद्घाटन भी करा दिया गया था। माननीय सभापति महोदय, मेडिकल कॉलेज में अस्थायी कर्मचारी लगे हुए हैं UTB पे और वो डूंगरपुर जिले के हैं लगभग, लेकिन उन कर्मचारियों को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। वो मजबूर है वहाँ पर जो जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, वो छोड़ने के लिए कहीं इनके मजबूर है और वहाँ पर लंबे समय से 6 से 7 महीने से जो अस्थाई वहाँ पर जो सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं उनकी इतनी स्थिति खराब है। वो कहीं ना कहीं गरीब परिवार से आते हैं और वहाँ पर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और 6 से 7 महीने हो गए लेकिन उनको अभी तक भुगतान नहीं किया गया है। माननीय सभापति महोदय, डूंगरपुर जिले के अधिकतर लोग गुजरात जाते हैं अपनी इलाज कराने के लिए और वहाँ पर जो हीमोग्लोबिन है अधिकतर महिलाओं में देखा जाए तो 6, 7, 8 का हीमोग्लोबिन है और वो लोग कहीं ना कहीं गुजरात जाते हैं। मतलब राजस्थान का जो सिस्टम है, हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है उन पर उन लोगों को कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है क्योंकि हम लोग उनको इसके अनुरूप सुविधा नहीं दे पा रहे हैं। हमारे ये PHC है डूंगर सारण, वो गुजरात बॉर्डर पर है, वहाँ कुछ भी होता है तो उनको रेफर कर दिया जाता है गुजरात में। बॉर्डर के आसपास जितनी PHC CHC है उन सभी PHC CHC वाले जो डॉक्टर स्टाफ लगा हुआ है और गुजरात में जो प्राइवेट हॉस्पिटल चलते हैं उनका कॉन्टेक्ट रहता है और वो लोग यहाँ से सीधा उस हॉस्पिटल का नाम और वहाँ के डॉक्टर का नाम लिख के उनको रेफर कर दिया जाता है। तो ये जो भ्रष्टाचार जो चल रहा है इसको कहीं ना कहीं बंद कराया जाए। माननीय सभापति महोदय, ये जो हमारे इलाके में फ्लोराइड युक्त तो पानी रहता है और वह छोटा बच्चा होता है उस समय से लेके मतलब 5-6 साल का हो जाए उस समय से उसके दांतों में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि डूंगरपुर में डेंटल डॉक्टरों की व्यवस्था की जाए क्योंकि आज तक कोई भी वहाँ पर डेंटल डॉक्टर नहीं है। माननीय सभापति महोदय, ये जो निजी मेडिकल कॉलेजों में जो बढ़ती फीस, अभी जो वर्तमान स्थिति में जो बढ़ रही है फीस, हमारे यहाँ पर जो उदयपुर में गीतांजलि मेडिकल कॉलेज ये स्टार्ट हुआ 2008 में, मतलब उसकी जो स्टार्टिंग फीस थी 1,95,000 लेकिन वर्तमान में इसकी फीस चल रही है 17 लाख। मतलब 8 से 10 से 12 साल में इतनी फीस बढ़ गई है। यही स्थिति सभी मेडिकल कॉलेजों में है। पैसिफिक मेडिकल कॉलेज उसका स्टार्टिंग जो फीस थी 8 लाख और वर्तमान में फीस ले रहे हैं 18 लाख। तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ऐसा इन्वॉल्व हो कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो फीस ली जा रही है
उस फीस पे कहीं ना कहीं रोक लगाई जाए और जो गरीब परिवार से जो बच्चा आता है उसको भी वहाँ एडमिशन लेने का अवसर प्रदान किया जाए। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में STSC के जो बच्चे जाते हैं एडमिशन के लिए उनके लिए भी अलग से कोटा होना चाहिए, उनके लिए भी वहाँ एक व्यवस्था होनी चाहिए। डूंगरपुर में मेडिकल कॉलेज खुला तो वहाँ पर जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लड़के हैं उनको लगा था कि हमको यहाँ एडमिशन मिलेगा, लेकिन उन लोगों को वहाँ एडमिशन नहीं दिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से मांग करूँगा कि डूंगरपुर कॉलेज की जो कुल सीटें हैं उस सीटों में से 50% स्थानीय जो बच्चे हैं उनसे भरी जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं हमारा जो सिमलवाड़ा PSC है वहाँ पर मैं अभी जो बेड क्षमता है इसके हिसाब से उन लोगों को सुविधा नहीं मिल रही है, तो मैं 20-25 बेड और बढ़ाने की मांग करूँगा। और वहाँ पर जो भ्रष्टाचार जो हो रहा है हरिदेव जोशी चिकित्सालय में और मेडिकल कॉलेज में, वहाँ एक दो ऐसे व्याख्याता लगे हुए हैं जो महाराष्ट्र से हैं, उन लोगों ने जो अस्थाई जो UTP पे कर्मचारी लगाने के थे उन लोगों ने वहाँ से अपने साथ में लेके आए और यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर जो नॉर्म्स बना हुआ है कि अस्थाई निवासी होना चाहिए, इसके बावजूद भी उन लोगों ने इतना फर्जीवाड़ा करके उनको किसी न किसी जगह का अस्थायीकरण वो करवा के उन लोगों ने वहाँ पर उनको वहाँ दिया गया है। तो कई इनके स्थानीय लोगों के साथ अन्याय हुआ है। और माननीय सभापति महोदय, हमारे सिमलवाड़ा जो उपखंड है उस वहाँ पर PSC है तो उसको वहाँ पर ये एक एक्सरे मशीन की व्यवस्था कराई जाए। माननीय सभापति महोदय, मैं ये अंतिम निवेदन करूँगा कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र को देखते हुए मंत्री जी को विशेष वहाँ पर ध्यान देना चाहिए और वहाँ पर जो चिकित्सा व्यवस्था बनी हुई है, जो गवर्नमेंट में जो हॉस्पिटल डॉक्टर लगे हुए हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज करने जाते हैं और गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो इसके लिए एक विशेष कमेटी बना के उन ऐसे डॉक्टरों पर निगरानी रखे और ऐसे लोगों को पे कार्रवाई की जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। श्री रघु शर्मा।